गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं उत्तरनिशा और आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है अजियो से कुछ इंडिया के ड्रेसेस के बारे में। बेसिकली कुर्ती, प्लाजो और आप बोल सकते हो साड़ी, ये सारी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो बेसिकली ये रक्षाबंधन स्पेशल, आप बोल सकते हो रक्षाबंधन में आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेस कर सकते हो और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है। मतलब आप अजियो से परचेस कर सकते हो। मेरे को कभी कभी ना इंडिया से भी सस्ता इनके वेब अजियो के इस पे ऐप पे मिल जाता है, तो मैंने वहीं से परचेस किया। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट येट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपनी इंस्टा आईडी दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा इंस्टा आईडी होगा, तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। सो या चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। करने से पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। सो ये है बाय द ब्रांड बायोडर्मा चेंसी बायो। तो ये पूरा बायोडर्मा का चेंसी बायो का जो रेंज है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। सो ये जो रेंज है ना, इन्होंने इसमें इनका माइसिलर वाटर आता है, फेस वॉश आता है और इनका मॉइस्चराइजर आता है। तो बेसिकली ये चेंसी बायो रेंज है क्या, ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रेंज है जो आपकी स्किन को थोड़ा ग्लोई दिखाता है और आपकी जो भी स्किन बैरियर है अगर वो खराब हो गई तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली इन प्रोडक्ट्स में इंक्लूड क्या क्या होता है, सो इनका जो इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन ई, कैरेनॉइड्स और ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपकी स्किन जो भी यूवी रेज से अगर डैमेज हो गई है तो वो प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है बेसिकली। सो या ये रेंज है इनका। बेसिकली मैं आपको एक एक करके प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट है और ये आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो आपको ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अगर कहीं भी आपकी स्किन में वो डलनेस आ गई है या फिर डार्क स्पॉट आ गया तो उससे आपकी स्किन को ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट की। सो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है बायोडर्मा सेंसी बायो माइसिलर वाटर। तो इसका जो माइसिलर वाटर है इस तरह से कुछ आएगा, अब मिलता है आपको। और इसका जो माइसिलर वाटर है बहुत ही अच्छा और स्किन फ्रेंडली है बेसिकली। ये नॉन कॉमेडोजेनिक है तो वो भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है तो ये एक मस्ट आप बोल सकते हो कॉम्पोनेंट है जो आपके किसी भी प्रोडक्ट में होना ही चाहिए। सो या दिस इज द इनका ये सेंसी माइसिलर वाटर। मैं इधर इन सबका यूज़ करके दिखा दूंगी कि यूज़ करने पे ये कैसा लगता है। इनकी इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही लाइट वेट है, आप देखो इस तरह से एकदम वाटर लाइक, जैसा माइसिलर वाटर होता है बेसिकली वैसा ही है। अब बात करते हैं इसके बायोडर्मा की स्किन फेस वॉश की। तो ये है सेंसी बायो जेल म्यूजेंट, इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये मिलेगा। इसका जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही जेल लाइक स्ट्रक्चर है इसका और ऑयली एंड एक्ने प्रोन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए बेसिकली ये बहुत ही अच्छा होता है। बिल्कुल जेल लाइक स्ट्रक्चर तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आई रियली लाइक दिस। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंसी बायो डिफेंसिव रिच, आपका ये जो इनका ये प्रोडक्ट है बेसिकली, आप देखो इस तरह से मॉइस्चराइजर जो है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ सो इसका मॉइस्चराइजर की आप कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग देखो, कितनी लाइट वेट और कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी। आपको व्हाइट कलर का इस तरह की कंसिस्टेंसी मिल जाएगी और इसको मिक्स करने में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से इस तरह से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन बिल्कुल भी ऑयली या फिर कुछ नहीं लगती है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो बहुत ही ये रेंज जो इन्होंने बायोडर्मा ने बेसिकली लॉन्च की है ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा रेंज है। थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है बट स्टिल ये बहुत ही अच्छी, आपके अगर आप स्किन केयर अपना अच्छा चाहते हो तो उसमें आप आराम से इसको इंक्लूड कर सकते हो। सो बेसिकली इनके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, सूथ करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड एवरीथिंग जो भी अच्छी अच्छी बेनिफिट्स है आपकी स्किन को देता है, प्लस नॉन कॉमेडोजेनिक है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इनको जाकर चेक करो और अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाकर भी चेक कर सकते हो। सो या नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आइटम दैट आई हैव इज रेड कलर की ये साड़ी है, कुछ इस तरह से ये आई है मुझे। तो इसके साथ ना इनका ये वेबसाइट का एक चीज़ होता है कि आप कुछ भी परचेस कर रहे हो ना तो वो अलग अलग आपको परचेस करना पड़ता है। जैसे अगर मैं ये साड़ी परचेस कर रही हूँ तो उसके साथ मुझे अगर ब्लाउज चाहिए तो वो अलग से मेरे को परचेस करना होगा। साथ में ये वो कॉम्बो नहीं देते बट हाँ आपको मैचिंग ऑल दो मिल जाता है। जैसा भी आप प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसके मैचिंग आपको जो भी रिक्वायर्ड होता है, कुर्ती है तो प्लाजो, प्लाजो है तो कुर्ती, साड़ी है तो ब्लाउज, ब्लाउज है तो साड़ी, एवरीथिंग, स्कर्ट है तो फिर ब्लाउज एंड दुपट्टा, एवरीथिंग आपको मैचिंग उसमें मिल जाता है। तो आप जाकर आराम से थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है।
बट आपको मिल जाता है। बट हाँ, आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, इन सबका जो भी लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ जाकर आप आराम से चेक करके परचेज कर सकते हो। और इनकी जो भी प्राइस होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे साइड बाय साइड दिखा दूंगी, और पहनने के बाद मेरे पे कैसा लगता है वो भी मैं आपको साइड बाय साइड दिखा दूंगी। सो या लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ड्रेस। तो जो फर्स्ट ड्रेस है वो है ये इंडिया की, ये रेड कलर की साड़ी, बहुत ही प्रिटी सा रेड साड़ी है। और ये साड़ी स्टिच साड़ी, ऐसा नहीं कि वो पूरा लंबा वाला साड़ी आपको वापस से वो पहनना पड़ेगा। प्लेन रेड कूल मतलब आप बोल सकते हो, बहुत कॉलेज लविंग और बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है ये इस तरह से। और इसमें आपको आराम से आपके साइज़ के हिसाब से मिल जाएगा, अगर आप स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी परचेज करना चाहते हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। तो मैंने जो परचेज़ किया है वो स्मॉल किया है, बट मुझे ये थोड़ी सी टाइट हो रही है। सो या दिस इज़ हाउ इट इज़। इस तरह से आपको ये साड़ी मिल जाएगा, आपको वेस्ट पे ये हुक करने को मिल जाएगा इस तरह से, और ये चेन मिल जाती है बेसिकली, आपको यहाँ पर जिप टाइप का मिल जाता है, साइड में आपके कमर के आ जाएगा इस तरह से। अब बात करते हैं इसमें पैटर्न और डिज़ाइन की। तो सबसे नीचे जब आप जाओगे तो इस तरह से आपको फ्रिल डिज़ाइन मिल जाता है। मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी कि वेबसाइट पे ये कैसा लगा था और मेरे को जो मिला है वो कैसा है बेसिकली। और ये पार्ट जो होता है आपका यहाँ पर, ये वाला पल्लू का पार्ट हो जाता है, तो अच्छा खासा लेंथ में आपको पल्लू मिल जाता है। आप बोल सकते हो सिफॉन टाइप का ये मटेरियल है, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ब्रीथेबल कपड़ा है। और या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इसके साथ ना आप रेड कलर की ब्लाउज भी इंडिया की वो परचेज कर सकते हो, मैंने परचेज नहीं किया, मैं यहाँ पर उसकी फोटो या फिर नीचे लिंक डाल दूंगी उस ब्लाउज का, तो आप वो भी साथ में परचेज कर सकते हो। सो या दिस इज़ हाउ दिस साड़ी इज़। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। अगर आप कुछ देख रहे हो जो अगर आप साड़ी पहनना चाहते हो बट वो ड्रेपिंग एंड एवरी थिंग इज वेरी हेक्टिक फॉर यू, तो आप इसके लिए जा सकते हो, लाइट वेट एंड गेट कम्फर्टेबल टू वेयर। सो या ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, प्लेन सोबर सिंपल है, एंड इंडिया का है तो फैब्रिक एंड मटेरियल में तो आपको डाउट करने की जरूरत है नहीं। सो या दिस इज द फर्स्ट आइटम। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड आइटम, बेसिकली सेकंड एंड थर्ड इज अ सेट जो मैंने अलग अलग लिया है, बट मैंने एज अ सेट इसको पेयर करूंगी। सो पहले बात करते हैं सेकंड आइटम की। तो सेकंड आइटम जो है वो है ये प्लाजो। सो दिस इज द ब्लू कलर प्लाजो। आप देखो इस तरह से आपको ये ब्लू प्लाजो मिल जाता है, वेस्ट आपको इस तरह से मिलेगी। और इसमें जो मैंने साइज परचेस किया है वो किया है मीडियम, तो या आई थिंक मुझे मीडियम ही परचेस करना चाहिए। और इसमें आपको साइड में इस तरह से सेम हुक मिल जाता है, आपको जिप मिल जाती है, और पीछे में आपको यहाँ पर इलास्टिक मिल जाती है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा आपका वेस्ट साइज है तो भी आपको आराम से ये आ जाएगा। और इसमें आप देखो इस तरह से आपको इसका लेंथ बहुत ही अच्छा मिल जाता है, और वाइड लेंथ पैंट टाइप का ये है, आपको इस तरह से मिलेगा। और ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये कोई प्रिंट या वैसा नहीं है, ये पूरा वर्क टाइप का किया हुआ है, सिल्वर एंड गोल्डन की ये पूरी डिज़ाइन आपको पूरे इस प्लाजो में मिल जाएगी। आगे पीछे दोनों साइड सेम आपको मिल जाता है, पहनने के बाद बहुत ही प्रिटी लगता है, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक भी है इसका। अंदर में आपको बहुत ही अच्छे कपड़े की बोल सकते हो लाइट हल्का साटन टाइप का आपको इसमें लाइनिंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है, आपके पैरों में चुभता भी नहीं है। सो या दिस इज द प्लाजो, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल येट बहुत ही क्लासी लगता है पहनने के बाद। आप इसको किसी भी कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हो, अगर आपके पास प्लेन व्हाइट कुर्ती है आप उसके साथ भी इसको पेयर कर सकते हो। तो आप इसको एज अ मल्टीपर्पज इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे भी चाहो किसी और कुर्ती के साथ या कुछ भी जैसे भी आप चाहो। तो मैंने इसको पेयर करने के लिए लिया है ये ब्लू कलर का टॉप नहीं, बेसिकली कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती। तो आप जब भी इंडिया का ऐड देखते होगे ना इंडिया वेबसाइट का, तो ये कुर्ती तो उनके वो टॉप लिस्ट में ही रहती है। सो मैंने ये अजियो से परचेस किया, एंड दिस इज हाउ दिस कुर्ती लुक्स लाइक। ये बहुत ही शॉर्ट कुर्ती है, आप देखो यहाँ से आपको ये सामने से चिकन करी का वर्क मिल जाता है, और ये आपको थोड़ा रेशम का धागा बोल सकते हो उस तरह का बूटा बूटा मिल जाता है पूरे चिकन करी वर्क में। बैक से आपको ये प्लेन मिल जाता है, और स्लीव्स आपको स्ट्रैप वाली मिल जाती है। तो स्ट्रैप वाले होने का एक फ़ायदा हो जाता है ना कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, अगर आप लंबा चाहते हो छोटा चाहते हो स्लीव्स जो है उस अकॉर्डिंग। तो मेरे को जब भी आप कोई भी स्ट्रैप वाले ड्रेस लो ना, तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन होता है कि आप ये देख लो कि उसमें आपका एडजस्टेबल स्ट्रैप है या नहीं। अगर एडजस्टेबल स्ट्रैप नहीं है तो आई वोंट रिकमेंड कि आप इसको परचेज करो। सो या अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो फ्रंट से आपको ये थोड़ा स्वीट हार्ट नेकलाइन की तरह मिल जाता है, और अगर बैक से बात करूँ तो बैक में भी सेम पैटर्न आपको मिल जाता है, अच्छा खासा बैक में आपका थोड़ा सा डीप नेक जाता है। सो अगर आप स्ट्रैप वाले पहनने में कंफर्टेबल हो तो आप आराम से इसको परचेस कर सकते हो। और इसमें जो मैंने साइज परचेस किया है वो किया है मीडियम बेसिकली। मैंने स्टार्टिंग में स्मॉल किया था बट मेरे को वो टाइट हो रहा था, तो मैंने एक्सचेंज करके फिर ये मीडियम साइज मंगवाया है। सो या दिस इज हाउ दिस मीडियम लुक लाइक। और इस कुर्ते की जो लेंथ है ना वो शॉर्ट है, तो बेसिकली अगर आपकी हाइट थोड़ी भी ज़्यादा है ना तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लगेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा देख के लेना, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो 5'1" है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ आपके ऊपर ये कितने लेंथ की आएगी, कैसा लगेगा पहनने के बाद एंड एवरीथिंग। सो या
ये तो बात थी इन कुर्ते के बारे में, कुर्ते कुर्ती प्लाजो बेसिकली। और इसका जो दुपट्टा है ना, मैं वो इंडिया पर देख रही थी, बट इंडिया को इट वॉज कॉस्टिंग, इंडिया पे बेसिकली इट वॉज कॉस्टिंग मी अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा था। तो मैंने अमेजोन से कुछ पिक किया है तो वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। अगर रिसीव होता है तो मैं शॉर्ट्स पे या कहीं पे डाल दूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पता चलते रहे अगर मैं कोई शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ तो। सो या नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट आइटम, बेसिकली वो ड्रेस या फिर कुछ नहीं है। मैंने एक बैग परचेज किया था, बेसिकली वो बैग मैंने कार्लटन लंडन से परचेज किया था। सो दिस इज हाउ दिस बैग लुक्स लाइक। सो बैग से मैं बेसिकली डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैंने जैसा सोचा था मेरे को वैसा ये बैग रिसीव नहीं हुआ है। तो आई माइट रिटर्न दिस, मतलब मैं इसे रखूंगी नहीं। सो दिस इज हाउ दिस बैग लुक्स लाइक। दिस इज येल्लो कलर का ये बैग इस तरह से है। मेरे को ये वेबसाइट पे इसे थोड़ा तो बड़ा लग रहा था, ये इतना छोटा सा है ना, आप देखो मेरे हाथ के जितना आ रहा है। मतलब मेरे को ये मेरी फ़ोन में बेसिकली इसमें नहीं आएगी। इसको रखने का कोई मतलब है नहीं। मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। अगर बात करते हैं क्वालिटी एंड एवरीथिंग की, तो क्वालिटी अच्छी है। आपको इसके साथ स्ट्रैप मिल जाता है, नॉर्मल स्ट्रैप, एंड इट कॉस्टेड मी अ लॉट। तो इस कॉस्ट में आई थिंक मेरे पास और बेटर ऑप्शंस हैं, तो इसलिए मैं इसको तो नहीं रखूंगी। बट आई थॉट वाई नॉट टू शो यू गैस कि हाँ मेरे को कैसा ये रिसीव हुआ है। सो अगर आप कुछ ऐसी ट्रेंडी स्टेटमेंट के लिए, स्टाइल स्टेटमेंट के लिए देख रहे हो तो यू कैन गो फॉर दिस। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बैग है ये, क्लासी बैग है। फैब्रिक की एंड एवरीथिंग सही है, बस मेरे को थोड़ा साइज का इशू है, बहुत ही छोटा है साइज में। बाकी मैं बात करूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल। आपको फ्रंट से कोई जिप नहीं मिलता, ये भी जिप नहीं मिलता। फ्रंट अगर आप इसको ओपन करो तो भी आपको अंदर में कोई जिप या फिर कुछ नहीं मिलता है। बस एक स्लॉट आपको मिलता है जिसमें आपको सारे आइटम्स रखने होंगे। सो या दिस इज हाउ दिस बैग बेसिकली दिस बैग इज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट येट। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, इन सबका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। सो या बाय।